कब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के बुंदेलखंड इलाके से एक और विधायक भाजपा में जावे बारे हैं। प्रद्युम्न सिंह लोधी और राहुल लोधी के बाद अगलो नाम सामने आ रहा है तरवर लोधी को, जो सागर जिला की बंडा सीट से विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी ने इनको 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट दो तो जी के बाद ये बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब भए थे। राहुल लोधी के बेहद करीबी होवे के चलते अब तरवर लोधी को लेकर भी सस्पेंस शुरू हो गया है। हालांकि तरवर लोधी ने सीधे तौर पर राहुल लोधी के भाजपा में जावे को गलत बताया है, संगे जा भी कही है कि वे अपनी पार्टी में टिके रहे हैं। पता नहीं, एक तो पहले वो जो भाई प्रद्युम्न सिंह जी वो कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए, अब ये तो मेरे साथ ही रहे हैं, लेकिन मुझे भी नहीं ऐसा समझ में आया कि ये कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाएंगे। अब चले गए हैं तो या तो बहुत गलत है, उन्होंने तो पार्टी के साथ, खुद के साथ और सबसे बड़ी बात लोधी जाति के साथ। मुझे लगता है कि जो उन्होंने कृत्य किया है दोनों भाइयों ने मिलकर, उसके लिए दमोह विधानसभा कोई माफ नहीं करेगी। और सही ये उपचुनाव चल रहा है, इससे इस चीज़ का भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो भाजपा में जो घबराहट है कि हम कहीं से नहीं जीत रहे, उसी चीज को लेकर भाजपा ने किया। तरवर लोधी अपनी बात पे कब तक कायम रहे, कितने कायम रहे, जो तो समय बताए, लेकिन अटकलें जारी हैं। जब राहुल लोधी भाजपा में पहुंचे उसके बाद सुर्खी विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने तरवर लोधी को बाकायदा रक्षा सूत्र बांधे और ऐसा लगे कि उनने अपील करी हुए कि भैया रुक जाइयो कहूँ जाइयो जिन्हो। खैर तरवर लोधी के बयानों से इतर लोधी लोधा समाज के बड़े नेता ने मंच से, भाजपा के मंच से जाके के सनसनी फैला दी कि तरवर लोधी अब भाजपा में आवे वाले हैं। लोधी समाज के नहीं, कांग्रेस पार्टी के अभी बहुत विधायक लाइन में हैं और लोधी समाज का एक विधायक और जल्दी आने वाला है। कौन है, क्या नाम है? वो नाम आपको पता चल जाएगा। मंच से घोषणा कर दी, अब क्या रह गया? बंडा के विधायक हैं तरवर सिंह लोधी, वो जल्दी आने वाले। कब आ रहे हैं, बात हो गई? नहीं, अब वो समय बताएगा, जल्दी जल्दी आ जाएंगे। रेट वेट फिक्स हो गया? नहीं नहीं, ये रेट वेट का कोई नहीं, विकास के लिए सब अपने क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा इसलिए सब आ रहे हैं। अच्छा, तो पूरे कांग्रेस के पूरे विधायक आएंगे क्या? पूरे नहीं, जिनकी इच्छा है, जो विकास चाहते हैं वो आएंगे। आपके संपर्क में कितने हैं? बहुत लोग हैं संपर्क में, समय आने पर सब पता खुल जाएगा। सामाजिक या दूसरे? नहीं, सभी लोग, और भी लोग हैं, समाज के नहीं, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सब धर्म सब जाति के लोगों के साथ मिलकर बनी है, इसलिए लोधी समाज ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी समाज के लोग हैं, सब समाज के विधायक हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक उपेक्षा महसूस कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की सरकार में, जहाँ विकास नहीं हो रहा था, इसलिए विकास के लिए सारे विधायक अपने आप आ रहे हैं। हालांकि तरवर लोधी अभी भी बात पे कायम है कि वे कांग्रेस में बने रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल लोधी के भाजपा में जावे के बाद दमोह में उनको भारी विरोध हो रहा हो और ऐसी नौबत है जी को देख के शायद राहुल लोधी भी सन्न रह गए हैं। आदरणीय रतन भैया के नेतृत्व में राहुल सिंह गद्दार का पुतला दहन किया गया। हम तो उन्हें पहले ही पहचान गए थे कि किस तरीके से वो 10,000 रुपए के लिए मात्र जनपद में किसी को सहायता दिलाने के लिए 10,000 दिलाते थे और 10,000 उससे रिटर्न ले लेते थे, किसी ठेकेदार से 10,000 रुपए ले लेते, किसी से 5,000 ले लेते थे। इस प्रकार से हम सभी ने अंदाजा लगाया कि जो 10,000 रुपए के लिए मोहताज है वो 50 करोड़ में तो चक्कर खा के गिर जाएगा। उसने 50 करोड़ देखे, उसने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं कमा पाऊंगा। उसने दमों के साथ गद्दारी की है, दमों की जनता के साथ गद्दारी की है और उन वोटरों के साथ गद्दारी की है जिन्होंने उन्हें जिताकर विधानसभा पहुंचाया था। अब हमारा दायित्व बनता है, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि राहुल सिंह लोधी जब दमों आएंगे तो युवक कांग्रेस उनका काला मुंह करके उन्हें वापस इंडोरिया पहुंचाएगी।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव तक को इंतजार नहीं है। वो उपचुनाव होवे के पहले ही अपनी सरकार को सुरक्षित करने की कोशिश में है और एक एक करके विधायकों को अपने संगे ले आने की कोशिश में। सागर से कृष्णकांत नगाज के संगे दमोह से अभिनव गौतम बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लाने सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।